गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 14, द नेकलेस। द नेकलेस का क्या मीनिंग है? हार। ये स्टोरी बेटा एक जो है, तीन करेक्टर हैं इसमें, मैटिल्डा लॉयजल, मिस्टर लॉयजल एंड मैडम फॉरेस्टियर। मैटिल्डा लॉयजल जो है मिस्टर लॉयजल की वाइफ है, मिस्टर लॉयजल उसके हस्बैंड हैं और मैडम फॉरेस्टियर फ्रेंड है मैटिल्डा की। जो ये स्टोरी है इसमें जो है मैटिल्डा लॉयजल जो है काफ़ी सुंदर लड़की है, लेकिन उसकी शादी जो है एक नॉर्मल सी फैमिली में हो जाती है मिस्टर क्लर्क के साथ, लेकिन उसके सपने जो हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान रहती है। वो एक हाई सोसाइटी ज़िंदगी को जीना चाहती है, उस सोसाइटी के बारे में हाई ऊँची सोच के बाद साथ ही होने की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है। A long time ago, one of the most pretty and charming girl was born. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. She could have easily been taken as a lady of great wealth, but it seemed that fate played a trick on her. She was born into a poor family. They had no dowry for her. She finally married a little clerk. And Loisel called was very unhappy with her life. She believed that though she was born beautiful and clever, fate by not making her born in a rich household man married into a richer one. Had played a cruel joke. बहुत लंबे समय पहले एक सुंदर और आकर्षक लड़की का जन्म हुआ था। उसकी सुंदरता इतनी महान थी, इतनी सुंदर थी कि वह एक शानदार जीवन जीना चाहती थी। सुंदर कपड़े आभूषण पहनकर वह बड़े बड़े घरों में, बड़े हाउसेस में रहना चाहती थी। वह चाहती थी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, उसके पास बड़ा पैसा होना चाहिए। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि भगवान ने उसके साथ ऐसी चाल चली, वह एक गरीब घर में पैदा हुई और जिसकी वजह से उसके पास जो है देने के लिए धैर्य नहीं था, और उसकी शादी एक क्लर्क मिस्टर लॉयजल से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क के रूप में काम कर रहा था उससे शादी होगी। मैडम लॉयजल की बहुत दुखी थी, काशी केम कॉल वेरी अनहैप्पी विद हर लाइफ, अपने जीवन से, अपनी लाइफ से काफ़ी दुखी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका जन्म एक अमीर घर में होता तो वह अमीर घर में उसकी शादी होती और उसकी किस्मत, उसकी जो किस्मत है उसके साथ एक भद्दा मजाक हो गया है, क्रियल जोक हो गया है, काफ़ी उसके साथ एक भद्दा मजाक हो गया है। शी एंड इन टू ए रिचर वन हैड प्लेड अ क्रियल जोक, उसके साथ एक भद्दा मजाक हो गया है। एंड शी इमेजिन वास सैलोन्स decorated with antique skills, exquisite piece of furniture, sporting priceless ornaments, where she could give big parties. She wished to live a life that would complement her beauty. वो कल्पना कर रही थी, वो सोच रही थी कि उसका बड़ा घर होता, बड़े बड़े कमरे होते, बड़ा सुंदर फर्नीचर होता, आभूषण होते, वस्त्र होते और बड़ी बड़ी पार्टी उसमें जाती। उसके काफ़ी सपने थे, वैसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर सके। वो काफ़ी सुंदर जीवन जीना चाहती थी, जैसे कि सैलोन्स का मीनिंग होता है लार्ज कंफर्टेबल रूम, बड़े बड़े कमरे, एंटीक्यू का ओल्ड और मतलब पुराने और कीमती, एक्सक्वाइसाइट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर। And when she and her husband sat down for dinner, while her husband exclaimed delightedly, "Ah, broth, what could be better?" She imagined delicate meals served on silver plates. जब उसके पति, जब उसके जो हस्बैंड थे डिनर के लिए बैठ के, उसके पति खुश होकर कहा, "Ah, broth," मतलब काफ़ी अच्छा सूप है जिसमें सब्जियां और मीट डला हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। वो कहती है क्या बेहतर, क्या अच्छा, वो कल्पना करती है स्वादिष्ट डिनर की जो कि उसको चांदी की प्लेट्स में मिले, सिल्वर की प्लेट्स में परोसा गया हो, काफ़ी टेस्टी डिनर हो। वो एक हाई सोसाइटी जीना चाहती है कि ये कैसा डिनर है, वो तो एक हाई सोसाइटी वाला डिनर खाना करना चाहती है। मैडम लॉयजल हैड नो फाइन क्लॉथ्स and no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She had a rich friend, old friend,
फ्रेंड होम शी रिफ्यूज टू। मैडम लॉयजल कहती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ना ही सुंदर कपड़े पहनने के लिए, और एक ही केवल चीज़ है, वह क्या है, वो जो वो है उससे क्या करता है, उसका हस्बैंड जो है काफ़ी प्यार करता है। एंड शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसके पास एक अमीर दोस्त थी, उसका पुराना दोस्त था जिसके पास वो जाने से क्या करती है, शी रिफ्यूज़ टू। रिफ्यूज़ टू का मीनिंग होता है मना करना। शी रिफ्यूज़ टू विजिट बिकॉज शी फेल्ट सॉरी फॉर हर सेल्फ आफ्टर मीटिंग हर ओन फ्रेंड। वह अपने दोस्तों के पास जाने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि वो काफ़ी जेलस फील करती है, क्योंकि उसके जो अमीर दोस्त हैं कि वो उनसे मिलने पर उसे खुद पर तरस आता है। खुद पे तरस क्यों आता है? कि वो काफ़ी जो है पुअर फैमिली में बिलोंग करती है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और पुअर उसी फैमिली में उसकी शादी हो गई है, वो हाई सोसाइटी जीना चाहती है, इसलिए वो जेलस के कारण वो अपने दोस्तों से मिलने से भी मना कर देती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एक्सल्टेंट एयर होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। एक्सल्टेंट का मीनिंग होता है एक्साइटेड, प्राउड एंड हैप्पी, मतलब बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होकर वापस आते हैं। और किस लिए आते हैं? कि वे मैटिल्डा खुश नहीं रहती, उस रात को वो बड़ा एक्साइटेड होकर वापस आते हैं क्योंकि उनके हाथ में एक बड़ा एनवेलप था। क्या था? एनवेलप। वो एनवेलप क्या चाहते हैं? उस लिफाफे को लेकर आए और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। हियर समथिंग फॉर यू ही सेड। क्या बोला? कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, कुछ लेके आया हूँ ताकि मैटिल्डा को वो खुश कर सकें। मैटिल्डा जो है वो काफ़ी खुश करना चाहते हैं, लेकिन मैटिल्डा की जो ऊंची सोच है, ऊंची फैमिलीज में सोसाइटी में रहने की, ऊंची हाई फाई कपड़े पहनने की, हर चीज़ के बारे में है, जिसके कारण वो खुश नहीं हो पाती। और उसके हस्बैंड क्या कोशिश करते हैं? उसको खुश करने के लिए, इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स आज हमने इतना ही रीड करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।